सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताएंगे गाइस आप हर एक सीएस रैंक कैसे जीत सकते हो एकदम आसानी से, वो भी 04 से हरा के। सो गाइस, सबसे पहले तो गाइस आपको सोलो कभी भी नहीं खेलना है गाइस, अपने साथ एक बंदा तो रखना है गाइस। जैसे मैं एक बंदे को बुला लेता हूँ गाइज, ये आ गया है। सो गाइज होगा क्या, एक बंदा अपने साथ होना ही चाहिए, क्योंकि गाइज होता है कि अगर हम ड्यू में खेलेंगे तो बढ़िया होगा, सामने से जो दो बंदे हमारे साइड आएंगे वो भी ऐसे ज़्यादातर ऐसे होंगे जो भी वो भी ड्यू में खेल रहे होंगे। सो गाइज होगा क्या, ड्यू वो भी मतलब रैंक मतलब सीएस रैंक की पुशी कर रहे होंगे, इसलिए वो बढ़िया से खेलेंगे। अगर आप गाइज सोलो खेलते हो गाइज, आपके साइड ऐसे नुबड़े आएंगे गाइज, जो होता क्या है ना, नुबड़े करते क्या गाइज, अकेले जाते हैं और गाइज रिवाइव ना कुछ करते हैं, मतलब कि क्या ही बोले, मतलब आते हैं मोड दिखाते तो अपने साथी को गाइस रिवाइव भी नहीं करते और गाइस दूर दूर रहते हैं, पीछे छुपे रहते हैं जब तक पहला मतलब हमारे बंदे नहीं मर जाता लाइक के लिए। सो गाइस सबसे पहले तो गाइस पहले राउंड में गाइस आपको डबल यूएसपी ले लेनी है और गाइस देख सकते हो मेरे साइड दो बंदे आए, जो भी मतलब एक साथ ही आए होंगे गाइस, मेरे को लग रहा है क्योंकि गाइस वो दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। सो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको यूएसपी डबल ले रखे, आपको सबको पता होगा। सो गाइस आपको रस नहीं मारना एकदम अटैक से, पहले अपने एक बंदे के साथ ही रस मारना है, जो आप दो बंदे हो, जैसे बंदा है मेरे साइड भी एक बंदा है गाइस देख सकते हो। सो गाइस हम दोनों चले रस मारने और एक को नॉक कर दिया, अब सामने भी एक बंदा था देख सकते हो, तीन बंदे गाइस। अब होता क्या है गाइस, मेरे पीछे एक बंदा है, वो पीछे वाले को संभालेगा। सो गाइस वो निकल गया, सो गाइस हम इसको मारेंगे हम दोनों मिलके गाइस, दो बंदे तो एक को मारेंगे मारे देख सकते हो गाइस, हम चारों मतलब कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ता है गाइस हर एक गेम जीतने के लिए। सो गाइस देख सकते हो पहला राउंड तो हम एकदम झटके में जीत चुके, चारों ने मतलब एक बंदा छत में गया गाइस, बोला था मैंने अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छे बंदे आएंगे आपके साथ जिनको मतलब पता होगा मतलब सीएस रैंक कैसे खेले बढ़िया से। सो गाइस दूसरे राउंड में जो मर्जी आपको बंदूक ले लेनी है, जैसे मैंने ले लिया है। सो गाइस अब इस जोन को भी हटने दे देते हैं, आपको दूसरे राउंड में करना क्या है गाइस, दूसरे राउंड में आपको मतलब एक बंदा चुन लेना है जिसके साथ आपको जाना है। जैसे मैं भाई इसके साथ जाता हूँ गाइस, अब होगा क्या, हम दो उधर से जा रहे हैं, दो इधर से जा रहे हैं, मैंने बुलाया था गाइस। अब होता क्या, इधर एक बंदा नौके मेरे को पता लग गया गाइस, ये देख सकते हो रिवाइव कर रहा है, अब मैं इसको डैमेज दूंगा, मेरा बंदा भी आ गया उधर से देख सकते हो, जो उधर साइड भी एक बंदा है देख सकते हो। सो गाइस सबसे पहले आपको मेडिकेट खा लेते हैं गाइस, इधर वाले को नॉक कर दिया है गाइस मेरे साथी ने, अब गाइस कोई नहीं गाइस, मैं नॉक हो गया पीछे से मारा, पर गाइस ये बंदा मेरे को रिवाइव कर दे, वो पीछे साइड मेरा वाला बंदा गया, वो पार वाला, उसने उसको नॉक कर दिया, मेरे सामने एक बंदा है। सो गाइस इनको बचा लेगा, अब ऐसे बंदे होते हैं गाइस जो बचा भी लेते हैं, वरना गाइस अगर सोलो खेलोगे तो नुबड़े आते जो बचाते बिल्कुल नहीं। देखो गाइस मैं मेडिकेट नहीं खाऊंगा, अभी मेरा बंदा इधर है, सो गाइस इधर एक बंदा है तो मैं उसको डैमेज दूंगा, तो मेरा साथी तो उसको मार ही देगा। सो गाइस देख ही सकते हो उसने अकेले मार दिया, जोन से मर गया गाइस डर के मारे, उसने बोला इनको किल क्यों देना है। सो गाइस हम लगातार दो राउंड जीत चुके, अब तीसरे राउंड में आपको जो मर्जी वेस्ट और हेलमेट ले लेना है गाइस तीसरे राउंड में, क्योंकि वेस्ट हेलमेट बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और गाइस फैक्ट्री की, अगर आप फैक्ट्री आते हो तो गाइस सबसे सेफ जगह गाइस इधर, आप मतलब मार ही सकते हो दो बंदे तो आसानी से ही कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, सामने रास्ता देख रहे हो ना गाइस, इधर पीछे साइड इधर आपको जाना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये वाला मतलब सबसे बढ़िया जगह होती है गाइस, इधर से देख सकते हो, मतलब आपका दो तीन बंदे हम इधर जा रहे हैं आप देख सकते हो गाइस, मैं इनसे कुछ बोल भी ना, मेरा माइक ऑफ है आप देख सकते हो, आप बोल रहे हो कि आपने बुलाया होगा। सो गाइस खुद आते हैं क्योंकि इनको पता होता है गाइस कि कौन सी जगह सही होती है गाइस। सो गाइस देख सकते हो इधर ही रहना, आपको छुपे रहना है जब तक सामने वाला नहीं आ जाता, अगर नहीं भी हुआ सामने अगर आपको रस मारने लगे। सो गाइस ऐसे जाना है आपको, इधर से उछल के जाना है, क्योंकि अगर सीधा जाओगे तो ऐड मार देगा, फिर यहाँ से गाइस आपको सीधा उसमें रस मारना, उसको झटका भी नहीं लगेगा कब आया। और गाइस आपको जाना है एकदम इधर, अगर बंदा नहीं होता आपको जाना है रस मारने सीधा, मतलब अपने एक और साथी के साथ जैसे बंदा भिड़ रहा है, तो गाइस इसका पहले किल कंफर्म कर देते कवर में। वह सामने भी एक बंदा है वो देख सकते हो गाइस, सो गाइस मैं रस मारने जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ एक बंदा भी है, पीछे भी वो मार देगा और मैं मर भी जाता गाइस, पर आपको गाइस इतना तो खेलना आना चाहिए कि आप एक बंदे को तो संभाल लोगे आसानी से। अब गाइस होता क्या, एक बंदा मतलब एक देखो एक बंदे को और नॉक कर दिया मेरे साथी ने, मेरे को पता है एक बंदा छत में है गाइस, सो गाइस एक बंदा इधर से जा रहा है और एक बंदा मैं उधर से जाऊंगा, पर अगर गाइस वो मर जाता तो मैं इधर से उसको मार देता, पर उस गाइस उसने मार दिया गाइस। सो इसी के साथ हम लगातार तीन राउंड जीत चुके हैं, इसी तरीके से आप खेलोगे गाइस आपको मतलब कोई भी नहीं हरा सकता, आप हर एक सीएस रैंक मतलब ए टू जेड जितने भी खेलोगे गाइस, आप मतलब पहले ही दिन ग्लोबल में भी इससे साथ रैंक पुश कर सकते हो। और गाइस अगर आपको स्क्वाड में खेलोगे तो गाइस आप मतलब दो दो तीन तीन मिनट में पूरा गेम खत्म ही कर दो गाइस, 10-11 मिनट में, क्योंकि गाइस स्क्वाड में तो बहुत ही मजे आ जाते, क्योंकि स्क्वाड में हम बात भी करते हैं एक दूसरे को,
तभी हम स्क्वाड में कि इधर एक बंदा है दो बंदे एक साथ, तो स्क्वाड का कॉम्बिनेशन अलग ही होता है जब अपनी स्क्वाड के साथ खेलते हैं। तो स्क्वाड में तो आप आसानी से जीते, अगर स्क्वाड का आपको चाहिए तो भाई कमेंट में जरूर बताना स्क्वाड में हर एक मैच कैसे जीते अपनी। सो गाइस अब होता क्या, देख सकते हो मेरे साइड का तीन बंदे हैं, एक बंदा इधर सामने, एक बंदे को मेरे मतलब मेरे साथी ने मार दिया। देख सकते हो आपके साथ भी मतलब प्रो या अगर आप ड्यू या अपने साथ एक बंदे को जरूर खिलाना। अगर आप सोलो में खेलोगे ना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपको हर एक सीएस रैंक मोड जीतने का। फिर भी गाइस मैं ऐसी मतलब कर सकता हूँ जिससे आप मतलब 50-70-80 मैच जीत ही सकते हो। अब गाइस देख सकते हो एक बंदा आपको करना है कुछ नेट करना है गाइस। गाइस मैंने अभी एक गलती कर दी, मैंने कुक नहीं किया नेट, इसलिए गाइस वो अगर मैं कुक करके मारता तो उसको पता लग गया था गाइस नेट आ रहा है, इसलिए वो भाग गया गाइस। क्योंकि जब होगा कि आप सीधा आसमान में मत जाना, इधर से जाना गाइस, क्योंकि अगर सीधा जाओगे तो मार सकते सामने जैसे मेरा बंदा है। गाइस ने मेरे साथी को नॉक किया, मैंने इसको नॉक किया, ये होता है कॉम्बिनेशन। और गाइस अब आपको मतलब सबसे पहले गाइस ये सब बहुत बढ़िया टिप्स है गाइस, हमेशा अपने साथी को रिवाइव जरूर करना चाहिए गाइस जो किसी भी हालत में क्यों ना। अगर रिवाइव अगर आप मर गए तो आपका साथी तो होगा। सो गाइस देख सकते हो इसी टिप के साथ हम जीत चुके पूजा। अगर गाइस आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना है, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे। सो गाइस अगर आप वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो गाइस मैंने बोल रखा है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। सो गाइस मिलेंगे आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।